नमस्कार, लाइव टीवी समाचार में मैं ज्योति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों से। वॉइस ऑफ खाकी के आश्रय अध्यक्ष चौधरी यूसुफ इदरीसी ने आज ये साबित कर दिया कि आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है। वॉइस ऑफ खाकी की टीम और चौधरी यूसुफ इदरीसी अपने आप में एक काबिले तारीफ है। एक गरीब घर की लड़की की कराई शादी और शादी में विशेष योगदान किया और एक सबूत दिए कि सच में वॉइस ऑफ खाकी संगठन ट्रस्ट समाज के लिए बनी है। वहीं दूसरी तरफ पोस्ट मिलते ही अक्षर न्याय कोषाध्यक्ष सी आर वर्मा, राष्ट्रीय सचिव वंशिका कौशल, जिला अध्यक्ष पैच, जिलाध्यक्ष अंकुर सिंगल तीनों सदस्य ने बच्चे के शादी के लिए दिए 10,000 रुपए, कुल मिलाकर 30,000 रुपए। आपको बता दें कि यह परिवार उत्तर प्रदेश के मेरठ भगवानपुर गांव के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली निजामुद्दीन में यह झुग्गी झोपड़ी में अपना पालन पोषण करते हैं। वंशिका कौशल, सी आर वर्मा और अंकुर सिंगल ने यह साबित किया कि गरीब के लिए वॉइस ऑफ खाकी संगठन ट्रस्ट बनी है और हमेशा गरीबों की मदद के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी यूसुफ इदरीसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों ने भी 10,000 रुपए से किए मदद। कुल मिलाकर वॉइस ऑफ खाकी संगठन ट्रस्ट द्वारा 40,000 रुपए से मदद की गई और भी कई NGO और संगठन, बड़े बड़े नेताओं लोगों ने भी मदद की है। लड़की की माता ममता देवी बोली कि मैं और मेरी बेटी आप सभी का यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। लड़की सुनीता कुमारी हाथ जोड़कर चौधरी यूसुफ इदरीसी का धन्यवाद और बोली कि आप सब हमारे लिए भगवान समान हो, यह बोलकर रो पड़ी। आपको बताते चलें कि अंकुर सिंघल, वंशिका कौशल तीनों ने आज से 2-3 दिन पहले पोस्ट पे नियुक्ति किया है और आज आए एक्शन में। लाइव टीवी समाचार चैनल भी आप सभी टीम को धन्यवाद करता है जो एक गरीब बच्ची का घर बसा दिए। आइए देखते हैं शादी की एक झलक। लाइव टीवी समाचार के लिए मोहम्मद अफरीदी इदरीसी की रिपोर्ट, नई दिल्ली से। से सामाजिक सेवा करते हैं इसके बारे में सर, ये जो हमने वॉइस ऑफ खाकी का निर्माण किया है, ये पुलिस और जो हमारा समाज है उसकी जो दूरियां एक दूसरे में हमें नजर आई उसको देखते हुए हमने ये वॉइस ऑफ खाकी का निर्माण किया है। निर्माण करने का उद्देश्य यही है कि हमें ये दूरियां खत्म करनी। इस दूरियों को ख़त्म तभी हो पाएगी जब हम एक दूसरे से कंधा मिला कर एक साथ चले। सबसे पहला संदेश हमारा यही है कि हमें जो हमारे समाज का, जो हमारे शासन प्रशासन का असली हीरो है वो हमारी पुलिस, तो हमें पुलिस को अपने वो इज्जत मान सम्मान देना जिसका वो हकदार है, तो ज़रूरत है हमारी। आज हम यही संदेश लेकर अपने समाज में उतरे हैं और इसको यही कोशिश करेंगे कि हमारा वॉइस ऑफ खाकी संगठन ये आगे जाए और देश की सेवा करे, समाज की सेवा करे और अपने शासन प्रशासन की सेवा करे, यही आशा करता हूँ और अपने सदस्यों से भी यही आशा उम्मीद करूँगा कि वे शासन और प्रशासन का सम्मान करेंगे। जी, आप वॉइस ऑफ खाकी की जनरल सेक्रेटरी हैं, आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं वॉइस ऑफ खाकी के बारे में और हमारी पुलिस के बारे में? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि पब्लिक जो है पुलिस वालों को सब उल्टा सीधा बोलती है, पर ये कोई नहीं सोचता। वो धूप में भी, बारिश में भी, आंधी में भी, तूफान में भी पब्लिक के लिए बैठी हो। फिर भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम इस संगठन से पुलिस और ये जो समाज है इनके बीच जो दूरियाँ है, गलत हो, ये सब चीज़ें हम ख़त्म करना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं। वह सब खाके के आप कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं आज, वंशिका जी जो जनरल सेक्रेटरी है और यूसुफ चौधरी इदरीसी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन्होंने एक आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो आप इस संगठन को कैसे आगे ले जाएंगे, कैसे पुलिस की हेल्प करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, इसके बारे में आप बताएं और समाज में क्या एक संदेश देना चाहते हैं पुलिस के लिए? इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, सब का और सब का भी, मैडम जी का भी, और इसका बहुत अच्छा संदेश जाएगा। पुलिस प्रशासन का हम साथ हैं 24 आवर्स और जनता का। आपका नाम? मेरा अमित कारी नाम है और मुझे जो इसमें जिम्मेदारी चीफ जनरल सेक्रेटरी की दी गई है और सब काफ़ी, मैं उसके लिए जो है यूसुफ इदरीसी का और पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन लाइव टीवी समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे लाइव टीवी समाचार। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और होते रहिए हर खबरों से रूबरू।
फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।